जी हाँ बिल्कुल, पुकार साथ साथ में एक ऑफ एंगल लेने के लिए निकल चुके हैं। राइट हैंड साइड से जो उनका एंगल है बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला है। साथ साथ में इस फाइट की बात करें, टीएसएम और एमवीएम का फाइट यहाँ पर चलता हुआ, जहां पर टीएसएम अभी के लिए लीड करिए बेहतरीन तरीके से लीड करते हुए। एक्वानॉक्स जो थे वो वहां पर गए, एकेएम से निकाला, नॉक M416 से कर दिया है फिनिश। एंड एमवीएम अब यहां से निकलना पड़ेगा, दो प्लेयर्स को खोया है इस फाइट में। एक्वानॉक्स वहां पर आई थिंक दोनों ही कंफर्मेशन निकाल के जी हैं, दो फिनिशेस उनके पास जाते हुए बहुत ही प्यारे तरीके से खेला। एंड बाकी के जो दो प्लेयर्स हैं वो निकलने में कामयाब जरूर हो चुके हैं, बट कितना देर तक बचेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है टीएसएम उनको खोजने के लिए अब निकलने वाली है। क्योंकि अभी के लिए यहां पर पूरा एरिया जो है कंट्रोल चाहते हैं टीएसएम के प्लेयर्स, एंड वो कंट्रोल इनको मिल भी सकता है। एमवीएम के प्लेयर्स निकल चुके हैं, देखते हैं यहां पर बचते हैं कि नहीं। यूडॉक के आई थिंक एक प्लेयर जोन से डाउन हो चुके थे, मुझे ऐसा लगा मे बी एनिग्मा का भी कुछ हाथ वहां पर हो सकता है, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा करीब थे। आई थिंक वहां पर एक फाइट एंगेज हो सकता था, बट अभी के लिए वो शांति जो है वो बनी हुई है। स्काईलाइट्स गेमिंग की हम बात कर रहे थे, एक प्लेयर उनके नॉक होते होते बचे हैं, डेस्ट्रो थे जो कि बहुत करीब बच गए थे। अल्ट्रॉन का स्प्रे वहां पर जरूर आता, टीम काफी ज्यादा दिया जरूर गया, अपनी पोजीशन वो चेंज करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाना ज्यादा सही समझा। एटलीस्ट की बात के एक बार फिर से वहां पे ग्रेनेड्स करते हुए दिखाई देंगे, डेस्ट्रो प्ले जोन के बाहर वो भी डाउन होंगे। स्काईलाइट्स गेमिंग के जो प्लेयर्स थे वो प्ले जोन के बाहर ही आपको डाउन होते हुए दिखाई देंगे, बट फिलहाल के लिए टीएसएम वर्सेस ऑरेंज रॉक की जो फाइट है वो देखने को मिल जाएगी। स्काउट की बात करें, वहां पे नेक्सस को उन्होंने डाउन किया, क्वाडल वर्सेस बनेक्स की जो फाइट थी वो भी यहां पे चल चुके, गौतम खत्म हो चुके हैं, सुनामी की बात करें ग्लाउनी के द्वारा वो भी खत्म किए, ड्रैगन वो भी खत्म हो गए, मोस्ट प्रोबेबली बनेक्स की जो स्क्वाड थी वो यहां पे एलिमिनेट होती है आपको दिखाई दे जाएगी। बट अल्ट्रॉन की बात करें, जूसी को भी उन्होंने खत्म किया, बट राइवलरी अक्षय राइवलरी की स्क्वाड हर जगह से आती है और थर्ड पार्टी करने को पूरी तरह से तैयार हो गएगा। फिर से राइवलरी वर्सेज मॉकिंग जे को भी राइवलरी के प्लेयर स्पॉट कर रहे हैं, राइवलरी वर्सेस गॉडल वर्सेस टीम इनकॉग्निटो की फाइट, एंड साथ में यूडॉग इंडिया की भी स्क्वाड आपको देखने को मिलेगी। बट यहां पर टीएसएम एंड ओआर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हुए मिस्टिक का कंफर्मेशन निकला, बट ट्रिपल आती है मिस्टिक को डाउन किया चलती गाड़ी से, बट यूडॉग का जो पूरा टीम है वो यहां पर आ चुका है, रैम्बो को भी डाउन किया गया, बिल्कुल केओटिक सीन्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यूडॉग इंडिया जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे जाते हुए नजर आ रहे हैं, डाक का बहुत कम हेल्थ है, बट मे बी यहां पर फिर से फोर मैन स्टैंडिंग हो सकते हैं। पूरा जो स्मोक का क्लाउड है वो बना दिया यहां पर, एंड रिवाइवल्स आते हुए एक ऐसे सिचुएशन पे जहां पर लग रहा था मे बी यूडॉग इंडिया पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर फिर से फोर मैन स्टैंडिंग कैसे किया यहां पर यूडॉग इंडिया। ये एक ऐसी टीम है जो कि यू नो मैजिक से थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे, पनिश किया गया 7C के द्वारा, इसी के साथ स्काउट की स्क्वाड टीम एक्सपाक एलिमिनेट होते हुए 7th प्लेस पे। अभी भी आप देखें 22 मिनट का गेम प्ले खत्म होने वाला है और अभी भी 6 टीमें हमारे साथ मौजूद रहेंगी। गॉडल लॉल्स की बात करें वो भी डाउन किए गए, टीएसएम का एक अच्छा मैच ये वाला जाता हुआ 7C की बात करें, 3 फिनिशेस उन्होंने निकाला, बट राइवलरी मैं जरूर देखना चाहूंगा कि उनके पास एक्चुअली में टोटल फिनिशेस कितने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी में उन्होंने अपना योगदान दिया हर जगह से फिनिशेस निकाले। बट टीएसएम को आप देखें 4 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, राइवलरी वर्सेस रेकनिंग इनकी फाइट चलने वाली, सोनिक एक ऑफिस से आगे जाते हुए राइवलरी का एक राइवलरी का जो प्लेयर था डेल्टा पीजी उसको भी डाउन किया जाएगा, क्रीटू की बात करें वो भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। सोनिक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं प्लेयर कहाँ से इस वक्त आने वाला है, मिस्टर स्प्रे अकेले अपनी टीम की कमान संभालते हुए, अच्छा ग्रेनेड आया जरूर, एक और ग्रेनेड उनके मुंह पे फटने वाला है, मिस्टर स्प्रे खत्म, एक बहुत बढ़िया ग्रेनेड यूडॉग इंडिया मिस्टेक का, पूरे स्क्वाड यहाँ पे रखने की खत्म होते हुए, बड़ा आप देखें राइवलरी वो आपको अभी भी सर्वाइव करते हुए दिखाई देगी। किसी इंडिया उनके चारों प्लेयर आई थिंक अलाइव थे, एक बहुत बेहतरीन फाइट के बाद रेवलरी ईस्पोर्ट्स एक और ग्रेनेड आता हुआ, एंड एक्वानॉक्स का एक ग्रेनेड कहां तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, राइट हैंड साइड पे बिल्कुल क्रॉल कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेनेड सीधा उनके ऊपर आके लगा, इसके साथ साथ टीम गॉडलाइक भी हो जाती है एलिमिनेट। हमारे पास बची है 4 टीम्स, 12 प्लेयर्स, 10 फिनिशेस टीएसएम के पास भी, ऑरेंज रॉक के साथ एक अच्छा फाइट निकाला था, उसके बाद अभी भी चारों प्लेयर्स के साथ अलाइव है यूडॉग इंडिया, मात्र एक प्लेयर जो है वो अभी के लिए अपनी टीम की सब कमान जो है वो संभालते हुए 7C ईस्पोर्ट्स के पास भी चारों प्लेयर बचे हैं, वो मिस्टेक जो आखिरी प्लेयर बचे हुए थे आई थिंक राइवलरी को पता होना चाहिए था, वो गाड़ी आई एंड बट जिस तरीके से टीएसएम जोन के अंदर है बहुत मुश्किल होने वाला है दोनों ही टीम्स के लिए। टीएसएम ऑलरेडी जोन के अंदर, उनको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट अगर राइवलरी की बात करें 13 फिनिशेस टोटल निकाल चुके हैं इस पर्टिकुलर मैच में, सोनिक डाउन है अपनी एचपी फुल करेंगे, अगर बात करी जाए अक्षय 4 फिनिशेस के साथ पूरी तरीके से तैयार है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा स्मोक का पाथ बनाते हुए, बट फाइनल बॉस आज के दिन पे एक अलग फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, 5 फिनिश ऑलरेडी निकाल चुके, 6 फिनिश आने ही वाला है, अलादीन को डाउन किया गया। प्रिंस की बात क्या, एक बार फिर से बग्गी चढ़ेगी ऊपर, बट नहीं चले निंजा वहां पे आएंगे और राइवलरी के अक्षय को यहाँ पे डाउन किया गया, को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं क्योंकि पीछे कोई तो लेटा हुआ है। प्रिंस की बात करें अभी तक स्पॉट नहीं करा है किसी ने, बिल्कुल किसी ने स्पॉट नहीं करा, फाइनल बॉल एपीपी पर उन्होंने स्विच किया, बट थोड़ी सी गलती हुई कि बुलेट यहां पे खत्म होता है, प्रिंस यहां पे क्लच करते हुए दिखाई दे जाएंगे, एक अच्छा ड्रॉप शॉट आता हुआ सोनिक का, बट कामयाब नहीं होगा हो पाएंगे, प्रिंस अपनी टीम को बचाते हुए टॉप 2 में लेके आए, बट एक अच्छा ग्रेनेड वहां पे जाता हुआ, बट नहीं हाइड्रा मौके पे चौका, और इसी के साथ टीएसएम की जो स्क्वाड थी वो एलिमिनेट करती हुई
7C की स्क्वाड को मैं क्षमा जरूर चाहूंगा, मुझे हाइड्रा की वहां पे याद आई, बट TSM जिस तरीके से उन्होंने होल्ड करा, जिस तरीके से उन्होंने इंतजार करा, आप देखें कि जैसे ही उन्हें पता चला कि एक और टीम थी जो एलिमिनेट हो गई, सीधा चार्ज करा, ग्रेनेड की बारिश करी और पूरी स्क्वाड को एलिमिनेट करा। बट प्रिंस जो अंदर छिपके बैठे हुए थे, राइवलरी को दिखाई भी नहीं दिया कि वो प्लेयर है का